हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक के गुरुजी चैनल में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 35 क्वेश्चन। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और नेक्स्ट वीडियो आप देख सको। देखते हैं क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जनरल साइंस के, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं के बारे में देखते हैं दोस्तों, फटाफट देखते हैं। और चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क ट्रेविनिस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों? थियोफ्रस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक से। हिस्टोरिया प्लानिटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? थियोफ्रस्टस। हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का किया जाता है दोस्तों। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिक फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। एंथ्रोलॉजी में वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी। सिल्विकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के लिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। एग्रोस्टोमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया होता है घासों का। पिडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्ग की। फूलों के अध्ययन कहलाता है दोस्तों पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेल्मोनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है अलेरिकल्चर। वार्षिकी वलयों का अध्ययन कहला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है वर्ग की। पौधों की विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। एग्रोफोरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर राष्ट्रीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। जीव द्रव्यों के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। दोस्तों, हमने 35 क्वेश्चन को देखा है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार सेंट्रल लेवल की भर्तियों में आते ही रहते हैं। ये मैंने क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ जिससे बार बार क्वेश्चन आए हुए थे। RPF, GD और पिछले वाले डी ग्रुप जैसे परीक्षाओं में आ रखे हैं क्वेश्चन, मैं छांट छांट के लेके आया हूँ। जो आए हुए क्वेश्चन ये सारे अति मोस्ट क्वेश्चन हैं जिसको देखने से आपके ये फ़ायदा मिलेगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मत भूलिएगा इस चैनल को। धन्यवाद।